भागलपुर में इन दिनों हर तरफ कूड़ा और दुर्गंध फैला हुआ है। स्मार्ट सिटी में स्वच्छता अभियान के नाम पर गाहे बगाहे झाड़ू लगाने की रस्म जरूर पूरी कर ली जाती है। इसके बाद शपथ और संकल्प अपनी अपनी राह चल पड़ते हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद भी शहर के चौक चौराहों और मोहल्लों से कूड़े नहीं उठ पाए हैं। राहगीर नाक पर रूमाल रखकर चलने को मजबूर है। कूड़ा कूड़ेदान के बाहर बिखरा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन हड़ताल खत्म होने के बावजूद भी शहर कचरे से भरा पड़ा है। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, फिर भी शहर की स्थिति काफी दयनीय है। न सफाई की व्यवस्था है और न ही जल निकासी की। कूड़े का उठाव नहीं होने से आम लोग परेशान हैं। निगम के सफाई कर्मियों को लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। घनी आबादी वाले क्षेत्र होने के कारण शहर में आम जनों के लिए शौचालय तक नहीं है, जिसके कारण लोग इधर उधर शौच कर देते हैं। नतीजन दुर्गंध एवं गंदगी, जिस पर निगम प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है। पीछे बाबा इतना कचरा है, हाँ। ये क्या हमेशा से यहाँ पे रहता है? हमेशा से कभी नहीं था। ये जो चौक था स्वर्ग था। धीरे धीरे राजेश वर्मा ने कहा कि हम एक चौड़ी गिराएंगे, इसके बाद डैम बना लिया उसने, और 8 साल से अपनी दुकान हम बंद किए हुए हैं, इसलिए कि हम बूढ़ा आदमी हैं, हमको टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, राजेश वर्मा एक पैसा भी इलाज कर देगा मुझे। कब से यहाँ पे कचरा गिर रहा है? 7-8 साल से हजूर हम कचरा गिरा, हम भागे यहाँ से बीमारी के डर से। कभी देखे हैं बाबा की पूरा साफ हो गया यहाँ पे? कभी नहीं। अगर साफ भी हुआ 5 मिनट के लिए, 6 मिनट कूड़ा चालू। कहाँ का कचरा यहाँ पे लाके गिरा? कहाँ भी गिरता, समूचे शहर का। क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? डंपिंग जोन बना दिया गया है, डंपिंग जोन। यही स्वच्छ भागलपुर है, यही स्वस्थ भागलपुर है, ग्रीन भागलपुर, क्लीन भागलपुर, स्मार्ट भागलपुर। कलेक्टर साहब को कैसे गुजार दीजिए? श्रीमान जी, ऐसा पदाधिकारी का आगे रहता है क्या? इस तरह का रहता है पदाधिकारी का? भागलपुर कमिश्नरी का ये अवैध रोड है क्या? रोड नहीं है, सरकारी अखाड़े में नहीं है, अवैध रोड है ये, गिनती नहीं है इसका। भागलपुर का तो बीच बाजार है, हाँ, यही स्मार्ट सिटी तो होता है। स्मार्ट सिटी की ओर ले जा रहे हैं आप, ये स्मार्ट सिटी कहलाता है। 4 साल हो गया स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले हुए। ग्रीन भागलपुर, क्लीन भागलपुर, स्वच्छ भागलपुर, करेंगे आप अफसर कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे? आदेश आता है, आदेश उसके जेब में रहता है, कूड़ा गिरेगा, कहता है जो बोलेगा उसको मार देंगे। इंसान यही नहीं बसता है क्या? इंसान जानवर बसता है, इतना जो इतना लोग कमा रहे हैं, रेहड़ी वाले, दुकान वाले हैं, इतना ठेले वाले, दुकानदार मर रहा है, दुकानदार क्यों जानवर बसते हैं यहाँ? दुकानदार क्यों मरेगा, हम क्यों मरेंगे? हम क्यों मरेंगे, किसी के पास जवाब है? आपका नीतीश सरकार हो या आपका मोदी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हम जो दुकान बंद करके कूड़ा के वजह से बैठे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।